हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बात करने वाले हैं जे एंड के पॉलिटेक्निक ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम को जो नेम है वो जे एंड के पॉलिटेक्निक 2024, फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एग्जाम लेवल जो लेवल है वो स्टेट लेवल है। एग्जाम जो साल में एक बार इनके कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम जो बोर्ड है ऑफलाइन बोर्ड होता है, पेन पेपर के बोर्ड के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 2nd week of March 2024, लास्ट डेट है 2nd week of April 2024। एडमिट कार्ड डेट होता है रिलीज होता है 1st week of May। एग्जाम डेट 2nd week of May। रिजल्ट डिक्लेयर होता है 3rd week of May। मेरिट होता है 1st week of April। काउंसलिंग प्रोसेस है 2nd week of April 2024। अभी हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 2nd week of March 2024 और इनका जो जे एंड के पीईटी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2nd week of April 2024। आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, और भी जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलता है, इसलिए आपको सारे डेटा आपको करेक्टली और वैलिड तरीके से फुलफिल करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन बोर्ड के थ्रू पेमेंट करना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। और कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपए है और इनका जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल और नॉन रिफंड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, आपको नॉर्मली आपको 10th लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। 40% आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, और जो ओपन कैटेगरी में जो इंक्लूड CDP, JKP है। 37% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर SC, ST, RP, ALC, OSC। मैंडेटरी सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, मैंडेटरी सब्जेक्ट इन 10th लेवल एग्जामिनेशन। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है, अगर फाइनल ईयर में तो आप इजिली एलिजिबल हो टू अप्लाई। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो OMR बेस्ड एग्जाम एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। 180 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 1 करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, और इसके अंदर एक भी गलत होता है तो आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है फॉर द नेगेटिव मार्किंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 30, मैथ्स 70, इंग्लिश 30, टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम इसके सिलेबस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जो 10th के लेवल के अंदर से जो आप लोग 10th में पढ़े हो उसी के लेवल का एग्जाम्स होते हैं, उसका आपको क्लियर करना होता है, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।